जय माता की मित्रों, मैं सनी गुप्ता, आपका स्वागत है कलयुग धार्मिक आस्था चैनल में। आज हम जानेंगे 52 शक्तिपीठों में से 31वें शक्तिपीठ के बारे में, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। देवी मां के 52 शक्तिपीठों में से 31वां शक्तिपीठ, जहां शिव और शक्ति दोनों एक साथ निवास करते हैं। हम बात कर रहे हैं श्री शैल शक्तिपीठ की, जो कि 52 शक्तिपीठों में 31वां शक्तिपीठ है। भगवान शिव की पत्नी माता सती शक्तिपीठों में अपने अलग अलग स्वरूपों में विराजित है। माता के इस शक्तिपीठ के बारे में जानना चाहते हो तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आपको हमारे चैनल की सभी वीडियो समय पर प्राप्त होती रहेंगी। मैं आपको रोज कोई न कोई धर्म से जुड़ी जानकारी देता रहता हूँ। आइए जानते हैं श्री शैल शक्तिपीठ के बारे में। माता सती ने अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ को भंग कर स्वयं अपनी आहुति दे दी। तब भगवान शंकर शोक में डूब गए और वे माता सती का शव यहाँ वहाँ लेकर घूमने लगे। ऐसे में सृष्टि चक्र प्रभावित होने लगा। शोक में डूबे शिव को सहज करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती माता के विभिन्न अंगों को 52 टुकड़ों में बांट दिया, जिसके बाद माता सती के ये अंग विभिन्न भागों में विभक्त होकर धरती पर गिरे। जहाँ भी माता के अंग आभूषण गिरे, वहाँ वहाँ दिव्य शक्तियाँ प्रकट हो गई, और साथ ही वहाँ शिव के रूप में शक्तिपीठ के रक्षक भैरव भी प्रकट हुए। दूसरी ओर इन शक्ति स्थलों को शक्तिपीठ के तौर पर जाना गया। हिंदू सनातन धर्म में शक्तिपीठों को देवी तीर्थों के रूप में माना जाता है। माता सती के इस स्थल को श्री शैल शक्तिपीठ बोला जाता है। हालांकि अलग अलग ग्रंथों में इनकी संख्या 52 से लेकर 108 मानी गई है। 52 शक्तिपीठों का वर्णन तंत्र चूड़ामणि ग्रंथ में मिलता है। तंत्र चूड़ामणि में श्लोक दिया है, श्री शैल चमम स्वर्ग महालक्ष्मीस्तु देवता भैरव सम्रानंदो देशो देशो सुरक्षा। दरअसल यहाँ माता सती की ग्रीवा यानी गर्दन का निपात हुआ था। यहाँ देवी को महालक्ष्मी माता कहा जाता है, और यहाँ शिव संभारानंद भैरव नाम से जाने जाते हैं। स्थानीय बोली में देवी को भ्रमारंभिका देवी और भ्रामरी देवी के नाम से जाना जाता है। माता का ये शक्तिपीठ आंध्र प्रदेश राज्य में श्री शैलम क्षेत्र मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर में ही स्थित है, जो कि देवी के 52 शक्तिपीठों और अन्य देवी सिद्ध स्थलों में भी गिना जाता है, जो कि शक्ति उपासना के लिए महत्वपूर्ण स्थान है, जो हिंदू धर्म के शिव व शक्ति संप्रदाय और तंत्र साधना के भक्तों के लिए सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। यहाँ युगों से लेकर आज तक देवी को महालक्ष्मी माता के रूप में पूजा की जाती रही है। वैसे तो ये श्री शैलम क्षेत्र भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंग में एक मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग शिव को समर्पित है। यहाँ के भ्रमरांबिका देवी मंदिर को ही शक्तिपीठ माना जाता है। इस क्षेत्र पर अन्य देवी देवताओं के स्थान मौजूद है, तथा ये संपूर्ण क्षेत्र पवित्र और अन्य देवी देवताओं के स्थान है। यहाँ देवी के सुंदर रूप के दर्शन प्राप्त होते हैं। देवी अष्टभुजा है और देवी का भव्य श्रृंगार किया जाता है। देवी की पूजा बेलपत्र, लाल फूल, हल्दी, कुमकुम और पूजन सामग्री वस्त्र अलंकारों से की जाती है। देवी की जागृत शक्ति यहाँ होने से देवी अपनी शरण में आए हुए भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। देवी विश्व का कल्याण करने वाली है, तथा इनके दर्शन मात्र से शत्रु विजय की प्राप्ति होती है और मनोरथ सिद्ध होते हैं। भूत प्रेत पिशाचों से सुरक्षा करती है ये देवी। मान्यता है जो भी भक्त सच्चे मन से माता की पूजा करता है, उसकी मनोकामना जल्द पूरी होती है। देवी अपने भक्तों को शत्रुओं से भय मुक्त करने वाली है। जो लोग माता में अपनी आस्था रखते हैं, उनको 52 शक्तिपीठों की यात्रा जरूर करनी चाहिए। यहाँ श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी होती है। आपको हमारे चैनल पर अन्य सभी शक्तिपीठों की जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये थी 52 शक्तिपीठों में 31वें शक्तिपीठ से जुड़ी जानकारी। मैं आशा करता हूँ आपको श्री शैल शक्तिपीठ की जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही धार्मिक जानकारियों से भरे वीडियो देखने के लिए कलयुग धार्मिक आस्था चैनल से जुड़े रहें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आपको हमारे चैनल की सभी वीडियो समय पर प्राप्त होती रहेंगी। और आप भी सच्चे सनातनी हैं और माता में अपनी सच्ची आस्था रखते हैं तो कमेंट में जय माता की जरूर लिखें, या आपका कोई प्रश्न है वो पूछ सकते हैं। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आगे भी आप सभी को सभी देवी देवताओं, तीर्थों, प्राचीन मंदिरों और पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली किसी धार्मिक जानकारी के साथ। जय मां काली, जय मां महालक्ष्मी, हर हर महादेव।